जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं मेरे सब दोस्त भाई जो मेरी वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों ये जो गाड़ी है ये है टोयोटा अल्टस 1.8 गाड़ी है, जिसका ये हमने ये सलव खोला हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों ये गाड़ी का सलव जो था, गाड़ी ऑटोमेटिक थी तो सलव के बगैर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। आम मैनुअल गाड़ियाँ जितनी भी होती हैं वो अगर बैटरी का मसला हो, जनरेटर का मसला हो या सलव का मसला हो तो वो धक्का लगाने से स्टार्ट हो जाती है। जो टोयोटा 1.8 है ये गाड़ियाँ ज़्यादातर ऑटोमेटिक आती हैं जो धक्का लगाने से स्टार्ट नहीं होती, तो इसका सलफ रिपेयर करवाना लाजमी हो जाता है। तो दोस्तों इसका जो ये था ये है इसकी कुपी बोलते हैं इसे सलफ की, ये ख़राब हो गई थी। तो इसका वर्क करने का तरीका ये होता है कि जब ड्राइवर सलफ लगाता तो ये इस तरह अंदर की तरफ जाती है और फिर मोटर बनती है और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। दोस्तों ये इसकी कुप्पी ख़राब थी, तो ये हम इंशाल्लाह ये हमने ली अब जापानी मंगवाई है कबाड़ से, तो ये अब हम लगाएंगे। लेकिन ये टोयोटा की नहीं है, ये कोरे या महरान की लग रही है, ये मेरा ख्याल ये कोरे की है, ठीक है। 2800 कोरे की ये कुप्पी है, ये हम टोयोटा 1.8 अल्टस के सलव के साथ लगाएंगे और आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे काम कैसे हो रहा है, ठीक हो गया। तो दोस्तों अब मैं फ़िटिंग करके आपको साफ मुकम्मल तरतीब के साथ बताता हूँ कि सलव की फ़िटिंग कैसे करनी है और इसे फिट करके और गाड़ी के साथ कैसे लगाना है। साथ जुड़ी रहिएगा और मेरी वीडियो वॉच करिएगा और आपके इलम में इजाफ़ा होगा। तो दोस्तों ये मैं अक्सर वीडियो बनाता हूँ, ये वीडियो अक्सर मैं प्रोफेशनल जो इलेक्ट्रिशियन हैं उनके लिए नहीं है, जो लोग ड्राइवर हजरात हैं या गाड़ियाँ जिन्हें रखी हुई हैं घर में उनके लिए ये वीडियो है कि उस उनके इलम में ये उनके नॉलेज में ये इजाफ़ा हो। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम से सलम की मुकम्मल फिटिंग हो गई है और अब हम इसे लगा रहे हैं गाड़ी के साथ। तो गाड़ी के साथ दोस्तों ये नीचे से लड़का इसे फिटिंग कर रहा है, मैं खुद ऊपर से फिटिंग कर रहा हूँ। तो इसे मुकम्मल इतना मुश्किल नहीं है, ये बस ये थोड़ा सा समझने का काम होता है। ये जैसे ही गाड़ी के साथ इसे बिठाएँ और एक ऊपर बोल्ट होता है एक नीचे बोल्ट होता है, ठीक है। तो एक बोल्ट नीचे लगेगा एक ऊपर लगेगा, ठीक है। तो दो बोल्ट होते हैं और इसी दो वायर होती हैं, एक मेन होती है बैटरी के साथ जिसका कनेक्शन होता है, मेन लीड होती है और दूसरी एक छोटी ब्रेक वायर होती है जो चाबी स्विच के साथ से स्टार्टिंग के साथ उसका कनेक्शन होता है। जैसे अंदर से सलफ लगाते हैं तो उस वायर में करंट आता है तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो दोस्तों ये इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा समझने के लिए होता है काम थोड़ा सा। तो आप और भी मेरी इधर बनी हुई है वीडियो, तो आप उसे वॉच करें देखें तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। और ये मेन लीड मैं लगा रहा हूँ साथ, ठीक है। ये मेन है जो बैटरी के साथ आ रही है, मोटी वायर होती है ये इसके साथ 14 नंबर बोल्ट होता है वो लगता है, ठीक है। और ये देखिए ऐसे बहुत इजी है, अगर आप घर में हैं तो आपका सलम ख़राब हो गया तो आपके पास एक 12 नंबर कॉम्बिनेशन चाबी होनी चाहिए, ठीक है, और एक 14 नंबर, ठीक है। 12 नंबर से मेन लीड खुलती है और 14 नंबर से दो इसका बोल्ट खुलते हैं, तो इजी से सलम नीचे से बाहर आ जाता है, ऊपर से भी बाहर आ जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये बैटरी है इसकी, ठीक है, और बैटरी के साथ मेन लीड का जो है ना कनेक्शन हुआ है, ठीक है। तो वो जो मेन लीड है वो सलव के साथ लगनी है, ठीक है, और एक ब्रेक वायर होगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा जो सलव के साथ नीचे से लगेगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको समझ आएगी, ठीक है। वीडियो को गौर से देखें और समझें, किसी वक्त भी किसी को भी ये काम करवाना पड़ सकता है, ठीक है। तो चलो ये कि आपके नॉलेज में चलाया बार और आपके इलम में इजाफा है और आपको समझ होनी चाहिए कि जब